मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन आस्था का सम्मान करें, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटें। पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने टीम वर्क का मंत्र दिया और कहा कि सभी पक्षों से संवाद बनाएं, पुलिस और प्रशासन 24/7 एक्टिव रहे और रामलीला के दौरान प्रभावी इंतजाम हो। प्रतिमा स्थापना और विसर्जन के लिए समितियों से संवाद बनाएं तथा फुट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। पुलिस संवेदनशील घटनाओं पर वरिष्ठ अधिकारी खुद लीड करें। खनन माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने 10 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने की भी बात कही। सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, मंदिरों में साफ सफाई की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, छोटी छोटी घटनाओं पर कार्रवाई किया जाए। इस अवसर पर मंडलायुक्त सभागार में एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविन्द्र गौर, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर, सीडीओ संजय कुमार मीना, जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एके शर्मा जी बस बड़ी सर, बाकी बुलाया तो और भी लोगों का चीज नमस्कार सर, आज की इस बैठक में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय मंत्रीगण का भी स्वागत करता हूँ। अभी एक कुछ दिनों पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सभी फील्ड के अधिकारियों को संबोधित किया था और उसमें बहुत सारे निर्देश दिए थे, बहुत सारे अभियान हमारे चल रहे हैं, जैसे मादक पदार्थों का है, गौकृषि का है, माफिया का है, अवैध शराब के बारे में है। तो मुझे आप बताते हैं सर, ये खुशी हो रही है कि इसकी रोजाना समीक्षा यहाँ पर मुख्यालय पर भी हो रही है सर, और इसमें ज्यादातर जगहों पर सर बहुत उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले पीसी में आपसे और भी कई सारे निर्देश दिए थे, जैसे जन सुनवाई करना, जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाना, तहसील दिवस और थाना दिवस को और प्रभावी बनाना, प्रमुख जनों से संवाद करना इत्यादि संबंध में उसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे कार्रवाई कर रहे होंगे। आप अच्छी तरह से अवगत है कि अभी कल से नवरात्र शुरू दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रहा है, फिर उसके बाद 5 तारीख की दशहरा है, फिर मालाभार भी है, उनकी जयंती है और उसके आगे एक त्योहारों का सिलसिला शुरू होगा, उसको भी अटेंड कर लिया गया होगा। भीड़ भाड़ के इलाकों में ट्रैफिक के बारे में क्या करना है, या जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पर भीड़ के नियंत्रण के बारे में क्या करना है, इन सब के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी एक अच्छी कार्ययोजना बनाई होगी। आगामी जो त्योहार आ रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से दशहरा है, रामलीला का मंचन है, उसके बाद फिर 12 बरसात है और उसी दिन महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, उसके बाद से दीपावली का पर्व आएगा। इस पर्व के लिए जो हमें पुलिस व्यवस्था करनी है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने पुलिस फोर्सेस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिसर्स हैं उनको ये सबसे पहले ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये
हिंदू कम्युनिटी के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसमें बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्ग लोगों का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। पूरे प्रदेश में करीब 44,000 से ऊपर जो है वो दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं।